भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में दुनिया में भारत के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में इस चौकीदार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी निष्ठा से काम किया, श्रम किया और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, देशवासियों से कहा था कि अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटा काम करूंगा। जयपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मैंने मेरा वादा निभाया? मैंने मेहनत करने में कोई कमी रखी है? आपको जैसा मैंने कहा था वैसा ही करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। मैं राजस्थान की कसौटी पर खरा उतर रहा हूं। याद करिए, 2014 से पहले देश में क्या चर्चा होती थी, घरों के ड्राइंग रूम में, किचन में, ऑफिस में, लंच के दौरान, बसों में क्या बातें होती थी। और यह याद करना बहुत जरूरी है, मुझे लाने से पहले भारत में जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी उस समय क्या हाल था, उस समय आपकी चर्चाएं क्या थी, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मिलकर के चर्चा नहीं करते थे कि आए दिन बम धमाके होते हैं, इंसान की जान की कद्र कब होगी, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप मुझे बताइए, मैं जो बोल रहा हूं वो चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? लोग कहते थे छोटे छोटे देश कार्रवाई करते हैं, भारत कब जागेगा, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? ये जो घोटाला हुआ है, ये वाला कितने लाख का हुआ है, कितना करोड़ का हुआ है, इस घोटाले में कौन कौन से नेता और उसका बेटा बेटी कौन किसकी शामिल है, हर साल देश में कोई न कोई नया घोटाला क्यों हो रहा है, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? जुबान पे इसकी चर्चा थी कि नहीं थी? महंगाई इतनी क्यों है, महंगाई डायन है कि खाए जात है, क्या सारा टैक्स हम ही से वसूल लेगी क्या सरकार, मिडिल क्लास की सरकार को तो परवाह ही नहीं है। साथियों, ये सवाल आप लोगों के बीच में चलते थे कि नहीं चलते थे? 5 साल पहले आप ये बातें करते थे कि नहीं करते थे? वो घोर निराशा के दिन थे, आशा की किरण तक दिखती नहीं थी। लेकिन आज भाजपा की सरकार में, देश में किन बातों की चर्चा होती है,
क्या सवाल उठते हैं, 14 की तुलना में याद करना होगा आपको। आज भी ड्राइंग रूम में, बस में, रेल में, दुकान में, ऑफिस में बातें आज भी होती है, देश और दुनिया की होती है। तब क्या होता था, आज क्या होता है? आज चर्चा ये होती है कि उस शहर में 6 लाइन का हाईवे बन गया, हमारे शहर में कब बनेगा? ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? उस जिले में मेडिकल कॉलेज इतना अच्छा हो गया, हमारे जिले में कब होगा? ये बात होती है कि नहीं होती है? वो शहर तो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया, हमारा शहर कब जुड़ेगा? ये बात होती है कि नहीं होती है? उस शहर में तो उड़ान योजना के तहत फ्लाइटें भी आने लग पड़ी, हमारे शहर में ऐसा कब होगा? उस शहर का रेलवे स्टेशन तो इतना शानदार हो गया है, हमारे शहर का कब होगा? उस शहर के लिए तो नई नई ट्रेनें जाती हैं, क्या शानदार कोच होते हैं, लेकिन हमारे शहर एसी ट्रेन कब आएगी? उसे तो पीएम आवास के तहत घर मिल गया, हमें क्या अगले 8-10 महीने में मिल जाएगा क्या? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इन सारे सवालों में शिकायत नहीं है, विश्वास का भाव होता है, ये भरोसा होता है कि कुछ दिन के इंतजार के बाद ही सही मोदी हमारे लिए भी करेगा। आज लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, आज लोग आशा और उम्मीद के साथ ये कहते हैं कि कब होगा, यानी उसको पूरा भरोसा है होने वाला है, वो इतना ही कहता है कब होगा, हमारी बारी कब आएगी। निराशा से आशा की तरफ बढ़ता ये नया भारत, और यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारी शक्ति का स्रोत है।